आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिश किए गए एनुअल रिपोर्ट की, जो कि बेस्ड है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि ये जो सीसीएल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके जो सीएमडी है ये कौन है, इसका एवरेज मैन पावर जो है वो कितना है, इसके जो टोटल एचएम के पॉपुलेशन है वो कितनी है, और साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी आप जान जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमेशा की तरह देर ना करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। CCL ये एक मणि रत्न कंपनी है ऑफ कैटेगरी 1। 2007 में इसे मणि रत्न का दर्जा मिला था। ये कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल दोनों टाइप के कोल का प्रोडक्शन करती है। बात अगर इसके फॉर्मेशन की करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन के टाइम ही हुआ था। जब कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ था 1975 में, उस समय ये CCL भी फॉर्म हुई थी। और अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है रांची में। इसके सीएमडी हैं श्री गोपाल सिंह। बात अगर इसके प्रोडक्शन की करी जाए, तो इसका जो प्रोडक्शन रहा इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में, वो था 68.722 मिलियन टन। और इसे जो टारगेट प्रोडक्शन मिला था वो था 68.700 मिलियन टन। तो आप देख सकते हैं कि इसने सरपास कर लिया है जो इसको टारगेट दिया गया था प्रोडक्शन करने के लिए। तो बात अगर स्पेसिफिक की करें कि अंडरग्राउंड में कितना कोल प्रोडक्शन हुआ और ये जो ओपन कास्ट उसमें कितना कोल का प्रोडक्शन हुआ, तो अंडरग्राउंड में जो प्रोडक्शन हुआ कोल का बाई CCL वो था 0.315 मिलियन टन्स। और अगर बात करी जाए ओपन कास्ट की, तो वो था 68.407 मिलियन टन्स। बात अगर ओबी रिमूवल की करी जाए कि ओबी रिमूवल इस फाइनेंशियल ईयर में CCL ने कितना किया, तो इसने किया 100.490 मिलियन मीटर क्यूब। और इसे जो टारगेट दिया गया था वो था 102 मिलियन मीटर क्यूब। हालांकि इसने ओवरबर्डन के मामले में अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। बट इसने जो पिछले फाइनेंशियल ईयर था 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में, उससे अच्छा काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला। लगभग 5 मिलियन मीटर क्यूब जो है उन्होंने उस वर्ष से ज़्यादा इस फाइनेंशियल ईयर में अचीव किया है। बात अगर करते हैं OMS की, तो OMS इसका है 8.093 टन। और बात स्पेसिफिक करी जाए कि अंडरग्राउंड का OMS कितना था और जो ओपन कास्ट है उसका OMS कितना था, तो अंडरग्राउंड का जो OMS था वो था 0.214 टन, वहीं ओपन कास्ट का जो OMS था वो था 9.740 टन्स। बात करी जाए टारगेट OMS की, किस इसको टारगेट कितना दिया गया था OMS के लिए, तो इसको टारगेट मिला था 7.550 टन्स। तो इसने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपने जो टारगेट OMS है उसको भी पार कर लिया है। बात करी जाए मैन पावर की कि CCL में एवरेज मैन पावर कितना है, तो एज इफ 31st of March 2019 CCL में टोटल 39,919 मैन पावर हैं एज ऑफ 31st of March 2019। अगर बात करी जाए टोटल नंबर ऑफ वॉशरी की कि CCL में कितने वॉशरीज हैं, CCL में टोटल 7 वॉशरीज हैं, 4 कोकिंग कोल के हैं और जो 3 वॉशरीज हैं वो नॉन कोकिंग कोल के हैं। 4 जो कोकिंग कोल के वॉशरीज हैं वो हैं कठारा में, स्वांग में, रजरप्पा में और केरला में। वहीं जो 3 नॉन कोकिंग कोल के वॉशरी हैं वो हैं पीपरवार में, करगली में और गिद्दीए में। बात करी जाए इसके वर्कशॉप की कि इसका वर्कशॉप कितना है, तो CCL के कुल 1 सेंट्रल वर्कशॉप है और 5 रीजनल वर्कशॉप है। सेंट्रल वर्कशॉप बरका काना में है और जो 5 रीजनल वर्कशॉप है वो हैं जारंगडी में, तापी नॉर्थ में, डकरा में, गिरिडीह में और भुरकुंडा में। अगर बात करी जाए इसके टोटल नंबर ऑफ एरियाज़ की कि CCL में कुल कितने एरियाज़ हैं,
तो सीसीएल में कुल 13 एरियाज है, 13 एरियाज हैं जिनके नाम हैं बड़का सयाल, अरगड्डा, नॉर्थ करनपुरा, राजहरा, पीपरवार, रजरप्पा, कुजू, हजारीबाग, बोकारो एंड करगिली, कठारा, धोरी, मगध एंड अम्रपाली, एंड लास्ट वन इज गिरिडीह जो लेटेस्ट एरिया बना है। सीसीएल में कुल 805 HMM के पॉपुलेशन हैं, जिसमें सॉवेल 104 हैं, डंपर 421 है, डोजर 164 है और ड्रिल 116 है। टोटल मिला के 805 है HMM के पॉपुलेशन एज ऑफ 31st of March 2019। बात अगर CHP की करी जाए कि CCL में कुल कितने CHP हैं, तो CHP CCL में सिर्फ 3 हैं, एक गिदीय में है, एक सिरका में है और एक भुरकुंडा में है। बात अगर बॉम कैलोरीमीटर की करी जाए, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बॉम कैलोरीमीटर करता क्या है। तो बॉम कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू यानी GCV को एस्टिमेट डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो CCL के पास कुल 11 बॉम कैलोरीमीटर है, जिसमें जो पीपरवार का जो बॉम कैलोरीमीटर है वो NABL द्वारा एग्रीगेटेड है। बात अगर सेंट्रल हॉस्पिटल की जाए कि CCL में कुल कितने सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, तो CCL में कुल 4 सेंट्रल हॉस्पिटल है। फर्स्ट वन इज़ इन गांधीनगर, सेकंड वन इज़ इन नायसराय, थर्ड वन इज़ इन धोरी एंड द फोर्थ वन इज़ इन NK नॉर्थ करनपुरा। अगर बात करा जाए CCL के जो रेस्क्यू स्टेशन है उसके बारे में, तो CCL का जो रेस्क्यू स्टेशन है वो है नायसराय में। और अगर बात करते हैं हम लोग रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग की, तो CCL के पास सिर्फ 2 रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, वो है चूरी में और दूसरा है कठारा में। और अगर हम लोग बात करते हैं रेस्क्यू रूम कितने हैं, तो रेस्क्यू रूम CCL के 3 हैं, एक उरीमारी में है, एक धोरी में है और एक केदला में है। बात अगर सेफ्टी परफॉर्मेंस की जाए, तो CCL का जो फैटलिटी रेट रहा इस फाइनेंशियल ईयर में, वो रहा फैटलिटी रेट ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर, वो रहा 0.36 पर 3 लाख मैन शिफ्ट। तो ये रहा CCL के एनुअल रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स। अब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के बारे में, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो CCL से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो CCL ने रूफ टॉप ग्रिड सोलर प्लांट बैठाया, इंस्टॉल किया है हेडक्वार्टर में अपने, साथ ही साथ गांधीनगर हॉस्पिटल में और सेक्टर जगह। ये अच्छा इनिशिएटिव है, ग्रीन इनिशिएटिव है। अगला जो टेक्नोलॉजी है जो CCL से रिलेटेड है, वो है कंटिन्यूस माइनर का चूरी प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट जो कि है वो CM टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है 24/3/2019 से। ये फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट है CCL के द्वारा विथ कंटिन्यूस माइनर टेक्नोलॉजी। बात करी जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ विशेष बातों की, तो इसमें 8 नंबर ऑफ बेल्ट कन्वेयर हैं, 1000 mm के, मीन्स 1 मीटर के। और बात करी जाए मैन राइडिंग की, इसमें 2 मैन राइडिंग है, FSV यानी फ्री स्टर्ड व्हीकल है, और मटेरियल हैंडलिंग के लिए MUV है यानी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक CCL का एनुअल रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है या कोई थॉट है, या फिर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर क्लिक करें। और अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं या फिर क्वेश्चंस देना चाहते हैं, हमारे द्वारा जो बनाए गए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टा मोजो पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।